ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललनटॉप.com। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, हम और आप लोग लगातार खबरों में खोज ही रहे हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। और इटली ने इस दिशा में बड़ा काम कर दिया है, कहा है कि कोरोना की वैक्सीन हमने बना ली है और ऐसी वैक्सीन है जो इंसानों पर काम करेगी। रोम के संक्रामक रोगों के हॉस्पिटल स्पलंजानी में इसकी टेस्टिंग की गई, इंसानों पर टेस्टिंग हुआ और इंसानों के पहले इस वैक्सीन का चूहों पर टेस्ट हुआ था। दावा है कि दोनों जगहों पर सफलता मिली है। इस वैक्सीन को टैकीज बायोटेक ने विकसित किया है। टैकीज के CEO लुइगी ओरिसिचियो ने इटालियन न्यूज एजेंसी ANSA को बताया है कि इटली में बनाई गई वैक्सीन का टेस्टिंग एडवांस स्टेज में है। इस साल गर्मी के बाद इसके ह्यूमन टेस्ट किए जाएंगे, मतलब बड़े लेवल पर इंसानों पर इसकी इफेक्टिवनेस की जाँच होगी। काम तो करता है ये पता है। बता दें कि इटली दुनिया के कुछ उन देशों में शामिल है, उन देशों की फहरिस्त में है जहां कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हैं और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैला है। अब तक 30,000 लोगों की मौतें लगभग हो चुकी हैं और 2,00,000 से ज़्यादा लोग इटली में संक्रमित हैं। कैसे बनाया गया इस वैक्सीन को? तरीका वही है कमोबेश जो आप लोगों को पता है। सबसे पहले चूहे में कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया गया, चूहे के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस को हटाया। अब इस एंटीबॉडी को इंसानों के अंदर डाला गया, प्रविष्ट कराया गया, टेस्ट किया गया, सफलता मिल गई। इतनी सफलता मिलने के बाद वैज्ञानिक अब इस बात का अध्ययन करने वाले हैं कि इंसान के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है वो कितने दिनों तक रही है। कहा जा रहा है इटली की एजेंसी अमेरिका की एक कंपनी के साथ काम कर रही है कि और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो। साथ ही इटली की सरकार और देश दुनिया के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े निर्माताओं के संपर्क में भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। इस वैक्सीन का काम करने का तरीका भी काफ़ी रोचक बताया जा रहा है। खबरें बता रही हैं कि वैक्सीन इलेक्ट्रोपोरेशन की टेक्निक पर काम करती है। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, आप समझ गए, पोरेशन मतलब पोर पैदा करना, पोर मतलब छोटे से छेद पैदा करना, मतलब सीधे सेल को बेध कर जाती है और सेल के अंदर की इम्यूनिटी को ये काम पर लगाती है वैक्सीन, ऐसे आम भाषा में समझिए। इटली में विकसित हुई वैक्सीन के साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है वो भी अपने एडवांस स्टेज में है। उसकी चर्चाएँ बहुत तेज हैं क्योंकि इस वैक्सीन के काम करने का भी भरोसा बहुत जताया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैक्सीन काम कर सकती है जिस तरीके से बनाया गया है। सितंबर तक इसके ह्यूमन ट्रायल के रिजल्ट आ जाने वाले हैं ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के, लेकिन उसके पहले ही मई में भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध रहे अगर सितंबर में रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो। लेकिन सबके पहले इटली ने दावा किया है कि हमारे पास वर्केबल वैक्सीन मौजूद है। देखते हैं इसके डेवलपमेंट्स क्या हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अफवाहों से थोड़ा दूर रहिएगा, ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।